सीएम योगी यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले में अपराधियों को चौराहे पर यमराज की धमकी देने के बाद अब उन्होंने प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों की भी क्लास ली है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सीएम योगी एक साथ सभी थाना प्रभारियों, सर्कल अफसरों, पुलिस कप्तानों, पुलिस कमिश्नरों और आईजी रेंज और एडीजी जोन के साथ जुड़े और उन्हें अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण की एक दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सीएम योगी ने सभी पुलिस कमिश्नर और कप्तानों को निर्देश दे दिए हैं कि हर जिला और कमिश्नरेट में महिला थाना प्रभारी के अतिरिक्त एक अन्य थाने का प्रभारी भी महिला पुलिस अधिकारी को दिया जाए। उन्होंने कहा कि इन महिला थानेदारों को योग और कर्मठ पुलिस कार्मिकों की टीम दी जाए। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों से दो टूक कहा है कि जनता का हित शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके साथ ही लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती है। आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी, चार्जशीट में देरी, केस के निस्तारण में देरी, संबंधित थाने सर्किल और पुलिस कप्तान की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम ने कहा है कि शासन स्तर से हर थाने, सर्कल, जिला, रेंज और जोन की सीधी निगरानी की जा रही है। यदि कहीं भी लापरवाही या गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित अधिकारी को न केवल पद से हटाया जाएगा बल्कि बर्खास्त भी किया जा सकता है। गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बहुत विस्तृत समीक्षा बैठक की है। आज की बैठक में करीब 2700 अधिकारी थाना अध्यक्ष स्तर से लेकर के एडीजी और डीजी स्तर तक के सभी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गृह विभाग के और जो पुलिस की जो कार्यों की जो प्रमुख समीक्षा के बिंदु हैं, क्राइम कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर है, आने वाले जो त्यौहार हैं उनको लेकर के जो कराए जाने वाली व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में, और एक मिशन शक्ति का अभियान जो अगले माह पे फिर से शुरू किया जाना है, उसका अगला चरण जो शुरू किया जाना है उसकी तैयारियों के संबंध में काफ़ी विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को, और शीघ्र ही तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। वो थाना अध्यक्ष स्तर के अधिकारी, क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी, हमारे अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी इस वीसी में जुड़े थे। शासन के प्राथमिकताओं के बारे में बताया गया और कैसे जनता के साथ उनका व्यवहार मधुर हो तथा आपराधिक कृत्यों में कैसे, आपराधिक घटना में कैसे उनको कानूनी तरीके से सख्त कार्रवाई की जानी है, ये अपेक्षाएं बताई गई और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका काफ़ी लाभ हमारे जो जनपद के अधिकारी हैं उनको मिलेगा। और चलिए, तमाम हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं और एसोसिएट एडिटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह, सबसे पहले उन्हीं का रुख करते हैं। अजीत, साफ तौर पर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं और वो शुरू से ही इस मामले में सख्त हैं। वो जब भी ऐसी बात आती है, कभी भी ऐसे कानून व्यवस्था बिगड़ने लगती है, उनका जो सख्त रवैया है वो देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जितनी सख्ती से उन्होंने चेतावनी दी है, जाहिर सी बात है आगे आने वाले दिनों में अगर कहीं भी लापरवाही बरती जाती है तो ऐसे अधिकारी बख्शे भी नहीं जाएंगे। देखिए, बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ जब मुख्यमंत्री ने इतनी डीपली बैठक की है। इसके पहले वो पुलिस कप्तान, डीआईजी, एडीजी, आईजी, कमिश्नर के साथ बैठक कर लेते थे, लेकिन कल 2700 यानी 75 जिले के 2700 पुलिस अधिकारी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल थे, जिसमें थानाध्यक्ष से लेकर क्षेत्राधिकारी से लेकर अपर पुलिस अधीक्षक से लेकर पुलिस कप्तान, डीआईजी, आईजी सभी लोग शामिल थे, यानी 2700 पुलिस अधिकारी। मुख्यमंत्री ने कल दो टूक कह दिया कि जो भी थानाध्यक्ष तैनात होंगे पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी होगी कि वो गड़बड़ ना हो। अगर उसका करैक्टर गड़बड़ है, उसकी कार्यशैली गड़बड़ है तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो लोकल स्तर पर गड़बड़ी करेगा यानी थानाध्यक्ष स्तर पर गड़बड़ी करेगा उसे वहां से तो हटाया ही जाएगा, उसे बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को दो टूक में कहा कि कोई भी अपराधी हो, कोई भी भू माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो, सौदा हो, उसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई करें कि आपके क्षेत्र में वो नजीर बन जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हर जिले में एक महिला थानाध्यक्ष के अलावा एक और थाने का चार्ज महिला अधिकारी को दिया।
दिया जाएगा और उन्हें अच्छी टीम दी जाएगी जिससे वो अच्छी तरीके से होमवर्क कर सके। उन्होंने 14 शहरों की बात की, 14 अक्टूबर से पहले उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध नगर सहित 17 जो नगर निगम है सेफ सिटी के तौर पर 14 अक्टूबर से पहले उनकी पूरी कार्रवाई पूरी कर ली जाए, यानी गौतम बुद्ध नगर को लेकर 17 नगर निगम को सेफ सिटी के तौर पर मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषित कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग यानी गश्त जो है वो बढ़ाई जाए, अपराधियों पर कार्रवाई की जाए। तो कई सारे बिंदुओं पर मुख्यमंत्री ने बात की। उन्होंने कहा कि जो गाँव के चौकीदार है, थाना अध्यक्ष बात नहीं करते, ग्राम चौकीदार और जो महिला बीट की सिपाही है यानी छोटे स्तर पर गए सिपाही तक गए, जिस गांव में महिला बीट सिपाही और चौकीदार है उससे थानाध्यक्ष हर महीने संवाद करेगा, संवाद में कोई कमी ना हो, कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो और अगर कहीं गड़बड़ी हो तो वो कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सुग्रह और डीजी स्पेशल प्रशांत कुमार। बिल्कुल, पहली बार यानी इस तरीके की मीटिंग हुई है। 2700 जो पुलिस अधिकारी मौजूद रहे उन्हें निर्देश दिए। बने रहिए आप अजीत, रुक कर लेते हैं, पूर्व डीजीपी एके जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुक करेंगे। सबसे पहले सर, ये बैठक को कैसे लिया जाए, ये जो साफ तौर से सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं, क्या लगता है ये बहुत जरूरत थी क्योंकि इतने कड़ी बार बार वो चेता रहे थे, उसके बावजूद जो व्यवस्था है देख रहे हैं कानून व्यवस्था की कहीं ना कहीं ध्वस्त होती नजर आ रही है और सबसे ज्यादा जो गड़बड़ी देखी जाती है वो लोकल लेवल पर देखी जाती है। मान लीजिए किसी महिला के साथ रेप हो रहा है या छेड़खानी हो रही है, ऐसी बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि जब वो जाती है थाने में तो शिकायत दर्ज नहीं की जाती। कल भी एक और मामला आया था, तो लगता है अब इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, चेतावनी बहुत जरूरी थी। देखिए, शासन की मंशा को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। जो गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी हैं प्रदेश के, उन्होंने सीधे थानाध्यक्ष स्तर तक इसलिए बात की है कि जो उनकी बात है वो एसपी एसएसपी के थ्रू ना जाए, वो सीधे इस बात को पहुंचा दें कि उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं, उनकी क्या प्राथमिकताएं प्रदेश में रहेंगी। माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई है, शहदों के खिलाफ कार्रवाई है और भी जो घटनाएं हुई हैं। अब देखिए, आप अंबेडकर नगर इसमें सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की, सरकारी डॉक्टर की हत्या की गई थी जी। उसमें भाजपा के एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवार है सुल्तानपुर का, वो इन्वॉल्व था। उनके कल सब संपत्तियों पर बुलडोजर चल गया। बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि कोई भी अपराधी हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, रूलिंग पार्टी का क्यों ना हो, अगर वो कानून अपने हाथ में लेगा तो उससे बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। ये संदेश जो है बार बार वो दे रहे थे और कल की घटना जो ये सुल्तानपुर में कार्रवाई हुई है, इसके भी बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। रूलिंग पार्टी के लोगों को भी स्पष्ट हो जाएगा कि अगर उन्होंने कहीं पर कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया तो शासन जो है पूरी शक्ति के साथ उन पर प्रहार करेगा। जो उन्होंने लिखा है कि जो जाति सूचक शब्द गाड़ियों पर लिखे रहते हैं उन पे कार्रवाई की जाए, थानाध्यक्ष और जो क्षेत्राधिकारी हैं अच्छे करेक्टर रोल के, अच्छे चरित्र के बनाए जाएं, कोई भी गड़बड़ व्यक्ति तैनात नहीं होना चाहिए। तो जहां एक तरफ पुलिस को शक्तियां दी हैं वहां उनके दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं और क्राइम के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसकी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि ये पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के जी। मैंने भी 37 साल सर्विस करी, जो सीधे थाना अध्यक्षों प्रभारी निरीक्षकों से घंटों तक जिन्होंने संवाद किया, उनको साफ बता दिया है कि कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस नीति जो अपनाई जा रही है वो बेहद कारगर साबित होगी कानून व्यवस्था को बिल्कुल मजबूत बनाने में। हमारे साथ तमाम संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश अयोध्या से जुड़े हुए हैं, देवरिया से त्रिपुरेश त्रिपाठी और गाजीपुर से आलोक कुमार। सबसे पहले सत्यप्रकाश का रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, जो मिल्कीपुर सर्किल है वहां का जो प्रदर्शन है वो बेहद खराब रहा है, यहां पर भी साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अयोध्या एक धार्मिक प्लेस है, इसके साथ साथ अयोध्या के आसपास के जो क्षेत्र को जिस प्रकार से डेवलप किया जा रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्री हो या यहाँ अगर स्थानीय लोग हो, इसको लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम है। तो ऐसे में अगर किसी थाने को लेकर इस तरह से अगर रिपोर्ट आती है तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं थाने स्तर पर एक बड़ी चूक हुई है और उस पर कहीं ना कहीं योगी सरकार अब सख्त है। जिस प्रकार से आज मिल्कीपुर थाने को लेकर जो आज रिपोर्ट जो सामने आई है, तो ऐसे में मिल्कीपुर को लेकर पहले भी जो है तमाम शिकायतें आती रही हैं लोगों के खिलाफ
थानेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई लेकिन नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अब मिल्कीपुर सहित अन्य जो थाने हैं उन पर अगर कोई भी लापरवाही बरती गई तो उस पर कार्रवाई होगी। हम आपको बता दें जिस प्रकार से मिल्कीपुर की जो रिपोर्ट आई उसके बाद जो सूबे के अधिकारी हैं जो SSP हैं या SP हैं सभी लोग अब सतर्क हो गए हैं, लगातार अब थानों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके साथ ही मिल्कीपुर थाने को एक बार फिर उसको अच्छे से जो यात्री है या स्थानीय लोगों की जो सुविधाओं को जो यहाँ की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए मीटिंगें का दौर शुरू कर दिया गया है। क्षेत्राधिकारी सहित जो चौकी इंचार्ज हैं थाना इंचार्ज हैं सभी के साथ जो है मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ भी अब हलचल तेज हो गई है और कार्रवाई का डर अब सताएगा यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं उन लोगों को भी।